गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग के साथ। और आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ इस खूबसूरत से उत्तराखंड की वादियों से, गडेरा गांव से। और आज बारिश हो रही है, दो तीन दिन से लगातार बारिश थी, तो अभी थोड़ा सा मौसम खुल गया है और अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज के ब्लॉग में हमारे पहाड़ के सीधे साधे लोग और बुआ, अम्मा, मम्मी, इन सारों का दिनचर्या है। ये लोग पहले क्या करते थे, अब क्या करते हैं, यही सब है आज की वीडियो में। देख सकते हैं आप खूबसूरत सी वादियाँ। आज मौसम बहुत सुंदर सा हो गया है, बारिश के बाद का मौसम पूरा खुल गया है, कितना साफ हो गया है देख सकते हैं। ओ उधर जो है वहाँ पर बर्फ भी आ गई है, देख सकते हैं। तीन दिन लगातार बारिश हो गई है ना, तो इसलिए यहाँ पर बर्फ भी आ गई है। वहाँ पर पोथिंग गाँव में दिख रहा है और देख सकते हैं मौसम कितना साफ हो गया है एकदम। ये वीडियो बना रही है ऐसी, कद्दू भी लग रखा है वहां पर। ये देख सकते हैं मौसम बिल्कुल खुल गया, बहुत साफ सुंदर हो गया। पहाड़ का स्ट्रगल, ये अब ले जा रही हूँ मैं तेल का कंटर। ये देखो, ये है स्ट्रगल पहाड़ का। ये नीचे थोड़े से रोड है और अब मैं ले जा रही हूँ ये तेल का कंटर, इसमें पूरा तेल भरा पड़ा है। ये देखिए, अब मैं जा रही हूँ गोबर फेंकने, और यहाँ पे काम धंधे के दिन चल रहे हैं, कोई घर पे है नहीं, इसलिए मेरे को फेंकना पड़ रहा है। मैं गोबर फेंक रही हूँ अभी। ये है देख, उधर है देखना। और ये अब मम्मी, अब ये बर्तन धोने के लिए, ये है कद्दू। ये कद्दू है बोल, मेहनत देखे मेहनत, मम्मी के साथ आगे, बाय बाय। ये देखना कैसे लड़ाई कर रहा है निखिल से। ये कितने बने का है, ये कितने बना हो? ये देखिए, ये देखना अभी इसकी लड़ाई देखना इसके साथ। देख छोड़, ये देख, ये खड़े निखिल देख पे, ये देख, ये देख लड़ाई इसकी। और ठिप ठिप करिए, हाँ लड़ाई खड़ पे तेरे का ठाला कर लेते दूर। ये देख कितने सुंदर से फूल हो रखे हैं यहाँ पर, देखिए। और सारा काम इसका होता है, इस भैंस का ही, इतना घास ही हो रखा है। फिर ज्योति काटने के लिए गई है इसके लिए घास, देखो ना इधर चलते हैं, वहाँ देखो ये हाल हो रखा है। अब जाएंगे भी नाने के सामने। आप देखेगा जब पहाड़ी चूल्हे पे हम बना रहे हैं मूंगफली का वो नमकीन, कच्ची मूंगफली भून के इसमें प्याज व्याज डाल के बनाएंगे इसका नमकीन। देबू एबू को खाना है इसको, ये देख सकते हैं। ये है, ये देखिए गाइज, आज मम्मी बना रही है रोटी ईजा मेरी, ये पहाड़ी स्टाइल में। और ये है चूल्हा और इसमें पकती है रोटी, ये बना रही है। और यहाँ पे बैठी है आज ताई जी। ताई जी भाग रही थी, मैंने पकड़ के रखे हैं, मैंने बोला कि आज यही खाओगे रोटी मेरे हाथ की, तो ताई जी बोली थी ना 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 ना, ना मेरे को घर ही जाना है, भरा आएंगे, तो हमने बोला हम छोड़ देंगे। आज मैं बड़ी मुश्किल से आई हूँ, तो ताई जी को मैंने बोला आज यही रहोगे आप। देख सकते हैं ये मम्मी की रोटी, देखो हाथ में बना रही है, देख सकते हैं। यहाँ निक्की बैठा है, बोल रहा है कि इतनी मोटी रोटी कौन खा पाएगा इसको, हम खाएंगे मोटी रोटी, टेंशन मत ले। अरे देख सकते हैं आप चूल्हा। अब यहाँ पहाड़ों में ठंड का मौसम आ गया है, तो हम लोग, हमें ठंडी भी हो रही है, तो हम लोग यहाँ पे आग भी सेक रहे हैं। आप इतना मस्त, ये बन गई पहली रोटी, मम्मी ने पतली रोटी बना दी है, देखो। तो ऐसे रोटी पकती है चूल्हे में, और ऐसे देख सकते हो पूरे पकती है ऐसी रोटी। और गैस में ऐसी रोटी फूल जाती है, पकती तो कम ही है, पर हमें वैसी खानी पड़ती है। ये देखिए ऐसी मम्मी बना रही है, अभी देखो कैसे पका रही है। मैं बना रही हूँ और मम्मी पका रही है, इस तरह से पकती है रोटी यहाँ पर चूल्हे में। मस्त से हो गया दी। और उबाना का समय ओ दी, अच्छा ना समय कश आ रहा हो, आना समय कशी उबान ये यार, वो गडीरिया का मुतरे नहाग ही अशान हो ची नमाना पिए था ना, ये ना पानी तो वहाँ पिए बाबू ने क्या कहा, पाये में पाये ना भाई, बाबू ने तो बाबू ने बोला ये बाबू ची नमाना का बोलो, देखने के बोलो ची ने बोलो कहीं तो नहीं क्या कहा, ये आग लगन बक्का कर दी वो के करो तो मतलब जवानी में, जब तू जवान ही हो राश में बुआ हारो मंगल में दार हारो खाई बगल में काला हारो
पर गे नाल बेदार हरो गजे लाए गए नाल बे डोबे लाए खराओ बैर नौआ बैर पड़ाओ बैर बेरू भी लाई हूँ ये गिटार पे ये दिन से खरीद भी गया ये भी ठारो भी डेट भी ठार पर आज ले अरे वो ज्यादा हो ला रो बोल एक दिन पटाई भी सुनकर देते मेरी तो लोगों हाँ सुन जाए वो सुन तो जोड़े हो ला रो चार बाज गालो न्यो के बारन है तो न्यो बहन है तो न्यो सहेलियां है दोनों और दोनों बिल्कुल मिलजुल के अच्छा बहुत बढ़िया। ये दोनों सहेलियां हैं, आजकल की जैसी दोस्ती नहीं है इन लोगों की, बहुत पुरानी दोस्ती है, बचपन की दोस्ती है। जब इनकी शादी हुई थी दोनों ये किप्तानी कितने उम्र के थे दोनों तुम लोग बताओ, कदी उम्र ही क्या बबरा पंद्रह और तुम सोलह। अच्छा तब की दोस्ती है ना तुम्हारी, सोलह साल। अच्छा कितना अच्छा लगता था उस टाइम तुम्हें। ये राधा अम्मा है, सारे कपड़े भीग गए हैं, बहू के सूट पहन के है ना, अच्छा लग रहा है सूट में आपको, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा साड़ी में उतना अच्छा नहीं है ना, साड़ी में अच्छा नहीं है। अच्छा ठंड भी लगती है, ठंड भी लगती है। अच्छा अच्छा फील हो रहा हो, अच्छा फील हो रहा है इसको पहन के, और अम्मा ने पहनी बहुत मस्त लग रही है अम्मा, और सुंदर भी लग रहे हो बहुत सूट में। वो साड़ी 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 डेली अच्छी नहीं लगती है धोती, और अम्मा को साड़ी अच्छी लग रही है, सूट अच्छे लग रहे हैं बहुत मस्त। अम्मा अभी हो गई हैं 60 साल में दो कम है, अभी हिसाब लगा लेना कितने की। वो रखा है यहाँ पे लौकी, देख सकते है इतनी बड़ी, बाबरे कितनी सब्जी होगी इसकी। ये नोएडा ले आओ तो क्या होगा इसका, पर तब तक सड़ जाएगा। ये इतनी बड़ी तो लौकी हो रखी है, ये कद्दू इतना बड़ा हो रखा है देख सकते हैं, ये बाबरे सभी खेती का हो रखा है सभी। कितने कद्दू खा लिए तुमने अभी तक, हाँ बेचे नहीं बेचे फिर ना चली था। अच्छा बेटी के लिए, बेटे के लिए नहीं भेजे, बहू बेटे के लिए वहाँ नहीं भेजे, गाड़ी नहीं मिलती है ना। और बारिश दिन भर बारिश है, क्या क्या काम कर लिया आज आपने, क्या गाय बापरे, और दिन भर बारिश है इतना काम करके आ गई अम्मा, फिर इसलिए सूट पहन लिया उन्होंने, नया जमाना निकाल दिया, बोल रहे मोदी ने नए चीजें निकाल दी हैं। सकते गई बाहर, अब बाहर बिल्कुल अलर्ट बता रखा है बारिश से, इतनी बारिश हो रही है। और यहाँ मेरी मम्मी जो है घास लेके आ गई है, देखो दो बार लेके आ गई है, पचीस रुपए डॉग दिखा दिया थोड़ा मेहनत कर, ये देख सकते है यहाँ भैंस के लिए जीते है, ये इतना स्ट्रगल करते है यहाँ पहाड़ में उड़ते हैं, देख सकते हैं इतना तो इसने घास इकट्ठा कर रखा है, फिर से लेके आ गई है, ये है भैंस। अरे कद्दू दौड़ रहा है अम्मा के पीछे, ये हाँ ऐसे मौसम खतरा अंधेरा हो रखा है, तो बारिश होने वाली है जबरदस्त, और अभी हो ही रही है, अभी मतलब बहुत ज़्यादा बारिश बताई हुई है यहाँ पर, लेकिन मम्मी को देख सकते हैं दो बार घास लेके आ गई है, यहाँ भाई घास बहुत जरूरी है। ले अपना सूट पहन लिया है, और कूड़ा करकट भी बेचारी फेंकने जा रही है, देख सकते हैं आप, ये बाय बाय बोल रही है, अब सास के साथ घास जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो बोल रही है कि घर में नहीं रहने देंगी सास। ये देखो कद्दू तो ही निकाल के लाया कहीं से ढूंढ के, और इसने रोटी भी बना दी भाई, शाबाश। हाँ दो साल का अभी हो, ढाई साल का भी नहीं अभी, मम्मी वहाँ गैस में बना रही है, तो इसने देखा कि यहाँ से पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाया कद्दू, क्या बना रहे हो हैं? देखते हैं कौन जीता है, बुबू और नाती में घमासान क्या हो गया, ये कंपटीशन देखते देखते। अरे 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 नाती नाती तू साइड हो, ये ओह हरा दिया निखिल को, देख सकते हैं बारिश कितनी हो रखी है बाहर, बहुत खतरनाक बारिश हो रही है, बिल्कुल अलर्ट बता रखा है, फिर भी इन लेडीज को मतलब अपना घास काटना अपने भैंस के लिए अपनी गृहस्थी के लिए जाना बहुत जरूरी है, अपनी जान की परवाह करे बिना ये लोग अपनी गृहस्थी के बारे में सोचते हैं, देख सकते हैं आप कितना स्ट्रगल है हमारे पहाड़ों में, कितने यहाँ की लेडीजें कितना स्ट्रगल करती हैं, इनको अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं होती है, पर ये लोग जानवरों के बारे में अपने जो पाले होते हैं उनके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, और पुराने पुराने लोगों का इसमें स्ट्रगल दिखाया गया है। मेरी वीडियो को आप देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना, और देखना आप क्या है यहाँ की ज़िंदगी होती है, कहाँ यहाँ फैशन कहाँ क्या, ये लोग अपना कितना स्ट्रगल करते रखते हैं, देख सकते हैं आप, और मौसम देख सकते हो कितना अंधेरा हो रखा है, बिल्कुल घना कोहरा छाया हुआ है, और बिल्कुल और खतरनाक मौसम हो रखा है, फिर भी मतलब घास जाना बहुत जरूरी है,
देख सकते हैं। अब इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आगे नए ब्लॉग के साथ।